रैदर देन कि जो भी हुआ पर ठीक है, मुझे तो मैंने देखा नहीं है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है इस बारे में, पर मैं चाहता हूँ कि ट्रिब्यूट अगर कोई दे तो उसकी मम्मी दे। दरअसल एक बात को कहने के कई तरीके होते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आई है पारस का, जो वीडियो देखा गया है अगेंस्ट शहनाज गिल ही नज़र आ रहा है। सीधे तौर पर यह सामने आया है कि शहनाज ट्रिब्यूट दे रही है सिद्धार्थ को, वो होती कौन है, ये पारस का कहने का मतलब है। और वे कह रहे हैं कि रीटा माँ को वो ट्रिब्यूट देना चाहिए था। चलिए मानते हैं, और सही बात भी है, सिद्धार्थ पर रीटा माँ का ज़्यादा हक है, लेकिन शहनाज ने ट्रिब्यूट दिया इस बात पर भी खुशी जताई जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जिससे फैंस काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भड़कते हुए देखे गए हैं और पारस की ये वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी देखी जा सकती है। को देना चाहिए और किसी को, अगर मैं ऑन स्क्रीन या मेरी फैमिली या मेरे फ्रेंड्स जो भी हैं जो मेरे टच में हैं, ट्रिब्यूट अगर किसी को देना चाहिए तो यार उसकी मम्मी को देना चाहिए, रीटा आंटी को। रीटा आंटी को आना चाहिए और अपने बेटे के लिए अगर वो दो वर्ड्स बोले ट्रिब्यूट के नाम पर तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा हमारे दिल को छुएगा, रैदर देन कि जो भी हुआ। पर ठीक है, मुझे तो मैंने देखा नहीं है, मुझे इतना आइडिया भी नहीं है इस बारे में, पर मैं चाहता हूँ कि ट्रिब्यूट अगर कोई दे तो उसकी मम्मी दे, जो कि मुझे पता है कि उसका कितना लगाव था उसकी मम्मी से, कितना प्यार था, प्यार करता था वो मम्मी से, बिकॉज ही वॉज अ ममाज बॉय एंड आई एम ऑल्सो अ ममाज बॉय। तो मुझे लगता है कि यार मम्मी कुछ बोलती है उसकी आके, या मम्मी एक दो लाइन आके अपने बच्चे के लिए बोलती है तो वो ज़्यादा मुझे अफेक्ट करता और लोगों को भी अफेक्ट करता। Thank you.